हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं हम बिंग नेटवर्क के ऊपर जो अप्रूवल लिए हैं यानी media.net के ऊपर जो मुझे अप्रूवल मिला है, तो इस तरह से ऐड वगैरह कैसे लगाएंगे, ये सब सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और इसी तरह का वीडियो, अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब कर लें। जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ सबसे पहले उठा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। चलिए हम यहाँ पे नया साइट को ओपन करते हैं। यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं जो बिंग का ऐड लगा हुआ है। तो आप सोचते होंगे कि हम टेम्पलेट को जाके एडिट किए हैं, नहीं, टेम्पलेट को एडिट करके एक भी ऐड हमने यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। सीधा सीधे लेआउट में जा करके हम ऐड लगाए हैं, और यहाँ पे ऐड लगाने का प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है, तो वही आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो सिंपली अभी हम मीडिया डॉट के साइट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा अकाउंट है और हमारा वेबसाइट भी आपके सामने ही है, ठीक है, हमने आपको दिखा दिया। सिंपली आप लोग यहाँ पे अपना ऐड यूनिट जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड यूनिट के ऊपर करें क्लिक। सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, बहुत ईजी है, हमने इतना सारा यहाँ पे ऐड यहाँ पे जनरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट ऐड यूनिट के ऊपर करेंगे क्लिक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेट लगता है ओपन होने में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत भारी भरकम साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऐड यूनिट सेट होता है, यहाँ पे आप लोग नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको पांच तरह का दिखता है कि आप पांच तरह से अपने साइट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ साइज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब साइज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सिलेक्टेड होगा तो आपको इस तरह का ऐड देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसा ऐड, ये ऐड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमको लगाने के लिए कोड जनरेट करना होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे से सेव और कोड कर लीजिएगा तो कोड आपको मिल जाएगा। तो कैसा कोड मिलेगा, तो इसका साइज़ कितना है, 300 और 250। सिंपली हम यहाँ पे पहले से करके रखे हुए, हम नहीं चाहते हैं कि अदर हम यहाँ पे कोड जनरेट करें, इसलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि कैसे इसको जनरेट करें। जैसे दोस्तों यहाँ पे जनरेट कीजिएगा, है ना, 300 250, ठीक है, यहाँ भी 300 250 है। तो इसको हम लोग गेट कोड करेंगे, इस तरह का आपका जावा स्क्रिप्ट कोड मिलेगा, इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कर देने के बाद आपको अपने ब्लॉगर के लेआउट में जाना है, ठीक है, व्यू कर, यहाँ पे देख रहे हैं व्यू है, यहाँ पे अगर लगाना है, ठीक है, तो सिंपली आप नीचे आइएगा और यहाँ से एक गैजेट लीजिएगा। गैजेट लेने के बाद यहाँ पे HTML क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम इसे पेस्ट कर देते हैं, अभी हम बाद में इसे रिमूव कर देंगे, ओके। यहाँ पे सिंपली सेव करके सेव अरेंजमेंट और यहाँ पे आप लोग इसे रिफ्रेश कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिलेगा, दो ऐड आ जाएगा एक साथ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये खाली जगह बन गया है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऐड आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम ऐड लगा लिए। अब यहाँ पे जो ऐड लगाए हैं हम, इसका क्या साइज है और कैसे लगाना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम इसे रिमूव कर लें, क्या है कि फालतू का ऐड ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, वेबसाइट लोड होने में टाइम लेने लगेगा। तो उसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ गया, है ना, 728 × 90। तो आपको जनरेट करना होगा सबसे पहले, यहाँ पे क्रिएट ऐड यूनिट के ऊपर करें क्लिक, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऐड यूनिट का नाम दे दीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बात आप याद रखिए, कलर वगैरह आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका कलर वगैरह अब देखते हैं कस्टमाइज़ करके। यहाँ पे तो वाइट है ही, तो मुझे कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वाइट में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कलर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, लेने के बाद आप सेव गेट कोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसको भी हम आपको लगा के दिखाते हैं कि कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट का लेआउट बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली गेट कोड कीजिए और ये कोड को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक, कर लिए। उसके बाद यहाँ पर लेआउट के ऊपर जाइए
आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडर पे देखने को मिलेगा, ये खाली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एडिट कीजिएगा और HTML जावा स्क्रिप्ट ले लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और कोड को पेस्ट करके सेव कर लेना है, ठीक। सेव अरेंजमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर भी वही साइज है, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी वही साइज है। देखिए बिंग में ज़्यादा क्लिक इसलिए आता है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते दवा से रिलेटेड है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे दवा का नाम ही है, कोई भी आएगा तो यहाँ पे क्लिक करेगा ही करेगा, सोचेगा कि ये दवा का नाम है, ज़रा जान लें क्या है। नहीं, अगर मान लीजिए आपका वेबसाइट किसी और टॉपिक पे है तो उसी तरह का यहाँ पे यानी मैचिंग कंटेंट ऐड यहाँ पे देखने को मिलता है। आप सारा जगह देख सकते हैं, सब जगह यहाँ मेडिसिन के बारे में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्लिक कैसे नहीं आएगा, क्लिक बहुत अधिक मात्रा में क्लिक आएगा और यहाँ से हम लोग बहुत अधिक अर्निंग भी करने वाले हैं, ठीक है। और इसका लाइव हम दिखाएंगे, अभी तो कल ही ये अप्रूव्ड हुआ है, साइट के ऊपर भी ट्रैफिक अभी नहीं आ रहा है उतना, लेकिन इतना आया है दोस्तों कि मेरा दिल भी खुश हो गया। सिंपली यहाँ पे लगाने के लिए आपको लेआउट में जाना है, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर सीधा सीधी साइज लिखा हुआ है, ठीक है। 970 गुना 970 गुना 900, यहाँ पे ऐड ए गैजेट कीजिएगा, यहाँ पे पहले से हम गैजेट को ऐड किए हुए हैं तो ऐड ए गैजेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको HTML बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैसा बॉक्स है तो यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये डब्बा दिखेगा, यहाँ पे आप लोग इसे पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट करके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेव कीजिएगा और सेव अरेंजमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये भी हम ही ने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेन है, मेन यहाँ पे आपको ऐड ए गैजेट करना है। तो सिंपली ये अभी यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐड लगाना है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐड लगाना है आपको, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे क्रिएट ऐड यूनिट, यहाँ पे करेंगे क्लिक, ठीक है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाना क्या है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ से आप लोग साइज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए व्यू कर लेते हैं, ठीक है। व्यू करेंगे तो जितना भी बैनर फैनर का ऐड तैड का जो भी है यहाँ पे सिंबल आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे क्या लगाना है वो मैं, वहाँ पे दोस्तों हमने ये लगाया है, ये वाला लगाया हुआ है, ठीक है। 728 गुना 20, आप यहाँ पे देख सकते हैं 728 गुना 20। तो यहाँ पे ये कोड है, यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे सेव एंड गेट कोड कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि हमारे पास वो वाला जनरेट पहले से है, ठीक है। तो 700 गुना 20 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से गेट कोड कीजिए, सिंपली यहाँ से कॉपी कीजिए और इसे क्लोज कर देते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जाके लगा देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड ए गैजेट करना है, ठीक है। चलिए ऐसे करके ऐड ए गैजेट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको HTML जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे प्लस के आइकॉन को पे कर लीजिए क्लिक, यहाँ पे ये कोड को पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। हम यहाँ से पहले से लगाए हुए थे, हम सेव नहीं कर सकते हैं, हम हटा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हमने लगा लिया, तो अभी फ़िलहाल हमारा ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब रिफ्रेश कर लेते हैं साइट को, अब जो हमें लगाना है वो मैं दिखाता हूँ कैसे लगाना है आपको, कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो एक ऐड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी हमने लगाया है, ठीक है। एकदम सेम टू सेम गूगल एडसेंस की तरह हमने यहाँ पे लगा दिया अपने साइट के ऊपर। तो यहाँ पे लगाने के लिए आपको करना क्या है, एकदम सेम ऐड यही ऐड लगाना है, ठीक है। तो वही हमने कोड वहाँ पे कॉपी किया हुआ था, तो सिंपली हमको करना क्या है कि यहाँ पे जाके एक गैजेट ले लेना है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक गैजेट लिया हुआ है, सिंपली यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिए। चलिए इसको हम लगा के ही दिखाते हैं आपको, है ना। तो अभी हम ले लेते हैं ये वाला, चलिए, है ना, 300 गुना 250 गेट कोड करते हैं, यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे और इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ऐड ए गैजेट करेंगे एक, ठीक है। उसके बाद एडिट HTML, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, सेव अरेंजमेंट करेंगे और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं वहाँ पे ऐड आता है या नहीं आता है, ठीक है। और आपको हम दिखाते हैं कि ये कितना सिंपल है, कितना आसान है, किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप दोस्तों देख सकते हैं वही ऐड आ गया, दो बार आया ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि लोगों को ये बता रहे हैं कि इस पोस्ट से रिलेटेड ही ये सब टॉपिक है, आप इसे भी क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसे इसका काम नहीं है,
हटा देते हैं, है ना। हटा दिए, अब सिंपली सेव अरेंजमेंट, यहाँ पर रिफ्रेश। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐड और हमने लगाया है, कहाँ पे लगाया है, कैसे लगाया है, उसको भी देख लीजिए ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो जाएगा। ये ऐड देख रहे हैं दोस्तों, ये ऐड हमने जो लगाया है कैसे लगाया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। और ये ऐड जो हमने लगाया है कैसे लगाया है, ये ऐड तो दोस्तों यही है, ऊपर वाला ही है, वही साइज़ होगा। इसे लगाना कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको लगाने के लिए दोस्तों सबसे नीचे आइए आप, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपका साइज भी दिया हुआ होगा, तो ऐड ए गैजेट करके HTML गैजेट लेना है और आपको यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना है, बस हो गया, ठीक है। पेस्ट करके सेव कर देना है, हो गया। इतना सा हो जाने के बाद अब ये वाले को कैसे फाइंड कीजिएगा, आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं इसको कैसे लगाया नहीं लगाया, तो चलिए अब सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा ऐड के ऊपर, ऐड के ऊपर जाइए, और यहाँ पे भी दोस्तों आपने जो व्यू किया था इसको ओपन ही रखना है। यहाँ से आप लोग हिंट्स ले सकते हैं किस तरह का ऐड कहाँ पे अच्छा लगेगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो हम जो लगाए थे इसमें, हाँ ये वाला ऐड लगाए हुए हैं, ठीक है। 600 गुना 250, आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, 600 गुना 250, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 600 गुना 250। इसे आप लोग यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, चलिए एडिट करते हैं, इसका कलर उलर थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, और आप लोग भी थोड़ा सा सीख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इसे एडिट करते हैं, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है और इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसका कलर वाइट कर लें, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वाइट हो गया ये, और ये ब्लैक, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कलर वलर कस्टमाइज करके यहाँ से गेट कोड कर लीजिए, ठीक है। ये सिंपली आप लोग यहाँ से कॉपी कीजिए, देखते हैं दोस्तों ये कोड आपका एकदम पूरा अच्छे तरीके से हो गया, ये वाइट में आ गया। अब हमें इसको हटा के लगाना है, तो यहाँ पे आप पहले इसको हम हटा देते हैं, आपको हटा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे ऐड ए गैजेट करना है, ठीक है। और अभी हम इस साइड को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये अभी हटा है या नहीं हटा है। तो यहाँ पे दोस्तों हट गया ये, ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं आ रहा है। अब हम लोग ऐड ए गैजेट कर लिए हैं, और यहाँ पे एडिट HTML लेंगे, और सिंपली हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और सेव कर लेंगे, और यहाँ पे सेव अरेंजमेंट कर लेंगे, और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करके देखेंगे, ठीक है, कि वो ऐड जो हमारा है कैसा लग रहा है। अब इसको हम वाइट किए हैं तो वो ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ले रहा है। जैसे ही कोई इसके ऊपर रखेगा तो तब ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई रख रहा है यहाँ पे वाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अब बात रही पोस्ट के अंदर कैसे ऐड लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेम्पलेट में जाना होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नहीं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।